नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लेक्चर सीरीज में ये मेरा तीसरा लेक्चर है और आज मैं डिस्कस करूंगा जून 2018 के क्वेश्चन पेपर को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस पेपर को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, महाभारत का कौन सा भाग शासन के सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, तो शासन के सिद्धांत से संबंधित है शांति पर्व। इसमें 365 अध्याय हैं। ठीक है, शांति पर्व में 365 चैप्टर हैं और इसके अंदर क्या है, शांति पर्व के अंदर जो भीष्म पितामह थे उन्होंने उपदेश दिया है अर्जुन को, ठीक है, कि शासन कैसे करना है, राजा को कैसा होना चाहिए। इसी में शांति पर्व के अंदर ही भीष्म ने राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत की भी बात की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? तो ये है वर्गीकरण। इन्होंने जो हर चीज की क्लासिफिकेशन की है, स्टेट की क्लासिफिकेशन की है, संविधान की क्लासिफिकेशन की है, फिर इन्होंने जो सब्जेक्ट्स है नेचर से रिलेटेड हो या फिर आपके सोशल साइंस से रिलेटेड हो, हर चीज़ की इन्होंने वर्गीकरण किया है। दूसरे ऑप्शन इसमें देख लो, क्रांति, दास प्रथा, नागरिकता, ये बहुत ही माइनर से कारण है। ठीक है, थर्ड, यह किसने यह सिद्धांत दिया कि राजनीतिक शासक को गैर नैतिक अमोरल होना चाहिए? तो ये दिया था मैकियावेली ने। पिछले क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन यहां पे देखो रिपीट भी होते हैं। राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ठीक है, सबसे पहले राजनीतिक दायित्व की बात की थी हेगल ने, तो इसका सही आंसर है हेगल। लेकिन उसके बाद सबसे बड़े जो चिंतक है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के, वो है टीएच ग्रीन। सबसे बड़े टीएच ग्रीन है, लेकिन सबसे पहले हेगल ने बात की थी इसकी। प्रभुत्व की धारणा किससे संबंधित है? ये प्रभुत्व है हेजेमनी। हेजेमनी टर्म यूज की थी ग्रामशी ने। ठीक है, ग्रामशी ने। और हेजेमनी क्या है? कल्चरल हेजेमनी। कल्चरल हेजेमनी का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम लगा तो मैं इसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा, पूरा लेक्चर बनेगा कल्चरल हेजेमनी पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा, सामाजिक समझौता, ठीक है, सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? तो ये किया था सबसे पहले जॉन रॉल्स ने, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में 1971 में। उसके विरोध में नोजिक ने अपनी बुक निकाली थी अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में। तो इन दोनों में सामाजिक संविदा की या समझौते की बात की गई है। तो इसका सही आंसर है 2 और 4, 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को रीजन बताया गया है, तो आपको इसमें से चूज करना है। जन साधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। अब ये बोल रहा है जो लोग हैं और राज्य है एक ही हैसियत के हैं, और यहां पे बात कर रहा है जन साधारण राज्य का सृजन करते हैं। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, आप उस वीडियो को बिल्कुल रिमेंबर करो जो मैंने आपको तर्क और कारण का दिया है। जनसाधारण पे यहाँ पे फोकस किया गया है और नीचे भी जनसाधारण की बात की गई है और यहाँ पे राज्य की भी बात की गई है। ठीक है, जनसाधारण और राज्य दोनों के ऊपर फोकस किया गया है और रीजन में भी जनसाधारण और राज्य दोनों का वर्णन आ रहा है। अब आप भले ही इसमें कन्फ्यूज हो कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैंने आपको बताया अगर जो चीज आपकी अभिकथन में दी गई है अगर वो रीजन में रिपीट की गई है तो बिल्कुल सही है और ये इसका सही रीजन है। तो इसका सही आंसर होगा ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 8, जिस क्रम में राजनीतिक विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, सही क्रम बताना है। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आए थे मैकियावेली। ठीक है, तो सबसे पहले आए थे मैकियावेली। मैकियावेली आधुनिक युग के प्रथम दार्शनिक माने जाते हैं। उसके बाद हॉब्स, फिर रूसो, फिर मिल। तो इसका सही आंसर है 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपने मैच करना है
उग्र मानवतावाद रेडिकल ह्यूमनिज्म, एमएन रॉय बात करते हैं रेडिकल ह्यूमनिज्म की। राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु, राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु की बात की थी सबसे पहले लासलेट बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और ये डेविड स्टन ने सबसे पहले बात की थी। अधिकारिता सिद्धांत, अधिकारिता सिद्धांत मतलब आपका अधिकार है जिन चीजों पे, ठीक है, तो ये दिया है नोजिक ने। तो इसका सही, नो का सही आंसर है ए, ठीक है, 1, 3, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 10, जाति उन्मूलन, जाति उन्मूलन से जुड़े हैं अंबेडकर, ठीक है, इनकी किताब है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, वही है जाति उन्मूलन, ओके। उसके बाद है चतुर तर्क, चतुर तर्क की बात करते हैं हेगल, हेगल का क्या कहना है कि तर्क, रीजन, आइडिया ही सब कुछ है जिससे कि चेंज हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। मानवीय चक्र, ह्यूमन साइकिल, ह्यूमन साइकिल दिया है अरविंद ने, ठीक है, और हिंद स्वराज लिखी है महात्मा गांधी ने। तो 10 का सही आंसर है ए, इसका भी 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 11, डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्य विधियां होती है, नियामक कार्य विधियां, ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको, उसका नियमन कौन करता है? सबसे पहले तो सामाजिक माप, जो आपके सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंड है, इससे भी राजनीतिक व्यवस्था में कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद है निसारक क्षमताएं, और उसके बाद है वितरणात्मक क्षमताएं, कि वितरण कैसे किया जा रहा है वस्तुओं का समाज के अंदर, उससे भी पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, नियम उसके अंदर बनते हैं या नियामक ये होती है। लेकिन संप्रेषण मार्ग की बात यहाँ पे डेविड ईस्टन नहीं करते हैं, संप्रेषण से जुड़े हैं कार्ल ड्यूश। तो ये यहाँ पे सही आंसर होगा 1, 3, 4, 1, 3, 4, तो इसका सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिकी अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया? तो ये किया था अल्बर्ट शिल्ज ने। निम्न की संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां किन राज्यों के पास है? जो संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां भारत और कनाडा में होती है सेंटर के पास। आपको यहां पे क्लियर होना पड़ेगा क्योंकि हमने संघीय व्यवस्था ली है कनाडा से। भारत की संघीय व्यवस्था कहां से अडॉप्ट की गई है? कनाडा से। तो कनाडा और भारत की संघीय व्यवस्था एक सी है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां और स्विट्जरलैंड में भी अवशिष्ट शक्तियां हैं राज्यों के पास, ना कि केंद्र के पास। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3, सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? कानून का शासन, कानून के शासन में लिखित संविधान होना चाहिए, जरूरी नहीं है। कानून का शासन इंग्लैंड में भी है, ठीक है, लेकिन वहां पे लिखित संविधान नहीं है। न्यायिक सर्वोच्चता, अब देखो न्यायिक सर्वोच्चता ब्रिटेन में सबसे ज्यादा है न्यायिक सर्वोच्चता, ठीक है, तो वहां पे क्या विधि का शासन मतलब ये जरूरी है? न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका में भी है, तो क्या विधि के शासन के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं। शक्तियों का पृथककरण, शक्तियों का पृथककरण अमेरिका में है, ठीक है, लेकिन सीमित सरकार, सीमित सरकार इसका राइट आंसर है। जहां पे कानून का शासक होगा, शासन होगा, सरकार सीमित होगी, सरकार कानून से बाहर जा ही नहीं सकती है, कानून से ऊपर सरकार कभी भी विधि के शासन में नहीं जा सकती है, ठीक है, तो सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टियों का अगुवाई बताई जाती है? तो ब्रिटिश लेबर पार्टी, सारे जितने भी समाजवादी पार्टियां बनी है उसकी मदर मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी आपको मैच करना है। अभिजन सिद्धांत
इस विचार पर सॉरी अभिजन सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हर समाज में व्यापक रूप से दो श्रेणियां होती है, व्यापक रूप से दो श्रेणियां होती है, पहली थोड़े से विशिष्ट जन और विशाल जनसाधारण। अभिजन सिद्धांत पहली बार प्रजातंत्र और समाजवाद की आलोचना के रूप में प्रारंभ हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अभिजन सिद्धांत की बात हो रही है और यहाँ पे भी अभिजन सिद्धांत की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें दोनों में क्या है, फोकस किया गया है अभिजन के ऊपर, लेकिन इसकी जो व्यापक दो श्रेणियां है वो पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे जनरल सी बात हो रही है, इसको ये नीचे इलेबोरेट इसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समजातीय है, यदि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समजातीय है तो राजनीतिक व्यवस्था को समाज का निरंतर समर्थन मिलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, राजनीतिक समाजीकरण की, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यहाँ पे क्या है, मेन चीज है जिसको जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब देखते हैं नीचे इसकी बात की गई है कि नहीं, व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और राजनीतिक संस्कृति में विश्वास का वातावरण होता है। अब ये तो बिल्कुल सही बात है, अगर व्यक्ति एक दूसरे में विश्वास करेंगे तभी वहां पे राजनीतिक संस्कृति का वातावरण होता है, ठीक है। तो ऊपर देखो राजनीतिक समाजीकरण की बात की गई है और नीचे राजनीतिक संस्कृति की, सोशलाइजेशन एंड नीचे पॉलिटिकल कल्चर, तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ, लेकिन दोनों सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको मैच करना है, जैसे आमंड, आमंड का है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताएं, ठीक है। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं की क्षमताओं के बारे में बात की है। ईस्टन देखो पिछले क्वेश्चन में भी आया था, ये है समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक प्रत्यावर्तन, यहाँ पे प्रत्यावर्तन दिया गया है, पिछली बार आवंटन दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है लेकिन यही है। लुशियन पाई ने दिया है ईसीडी मॉडल, ईसीडी मॉडल बोलते हैं इसको, इक्वालिटी कैपेसिटी और डिफ्रेंसिएशन, ईसीडी मॉडल आपने बिल्कुल याद रखना है। और डी हंटिंगटन ने दिया है पॉलिटिकल डिक्लाइन या पॉलिटिकल डिके एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, संस्थाओं का पतन और विघटन तथा विकास। तो इसका 18 का सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 19, अब इसमें आपको मैच करना है फ्रांस में आपको पता होगा दोहरे न्यायालय होते हैं, वहां पे दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक न्यायालय जो आम नागरिकों के लिए और दूसरे न्यायालय जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए होते हैं। यूके यूनाइटेड किंगडम में है सर्व सत्ताधारी संसद, वहां की पार्लियामेंट के बारे में बोला जाता है पार्लियामेंट सिर्फ औरत को पुरुष और पुरुष को औरत नहीं बना सकती है, बाकी सारे काम कर सकती है, ठीक है। तो सर्व सत्ताधारी संसद है यूके के अंदर। यूएसए के अंदर है न्यायिक समीक्षा, वैसे न्यायिक समीक्षा इंडिया में भी है लेकिन जननी माना जाता है यूएसए को, और भारत में है विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि, ठीक है। तो 19 का सही आंसर होगा यहाँ पे ए, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 20, और देखो 2007 में भी ये क्वेश्चन आया था, 8 में भी आया, तो आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। कार्ल ड्यूश का ये कम्युनिकेशन अप्रोच से है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले सिस्टम में क्या है, सूचना लोड की जाती है, सूचना सिस्टम के अंदर पहले लोड होती है, लोड होने के बाद देखा जाता है कि कितना लैग किया उसने, कितनी पीछे रही, सूचना को टेकअप करने में कितना ज़्यादा टाइम लगाया गया, ठीक है। टाइम लगाने के बाद प्रत्युपन्नता गेन, जैसे मान लो 10 मिनट सूचना को उठाने में लगे, उसके बाद कितनी जल्दी वो आगे की ओर बढ़ती है, गेन करती है, गेन करने के बाद लीड, ठीक है, सबसे बाद में आएगा उग्रगामिता या लीड। तो इसका 20 का सही आंसर होगा यहाँ भी ए,
2 3 4 1। सबसे पहले बाहर पड़ेगा, उसके बाद पीछे रहना, उसके बाद प्रत्युपन्नता और उसके बाद उग्रगामिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटिंग माइंड के लेखक है APJ अब्दुल कलाम। संविधान का 93वां संवैधानिक संशोधन, अब इसमें मैक्सिमम टाइम में मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, 73वां और 93वां बिल्कुल कंफ्यूज कर जाते हैं या जल्दी के चक्कर में ध्यान नहीं देते हैं। तो 73वां संवैधानिक संशोधन था बी। विधान मंडलों में स्त्रियों के लिए आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं के लिए था 73rd अमेंडमेंट, और शैक्षिक संस्थाओं में OBC का आपने एक बार चेक कर लेना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड था 42nd अमेंडमेंट 1976। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है, तो ये थे KR नारायण। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में कौन सा UNPA, ठीक है, UPA में उसकी स्थापना के समय शामिल नहीं हुआ था, तो तेलुगु देशम इसमें शामिल नहीं हुआ था। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे और PV नरसिम्हा राव भी थे, और जो नहीं थे वो थे HD देवीगौड़ा। तो इसका सही आंसर होगा डी, HD देवीगौड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक हथियार है। यहाँ पे देखो जनहित याचिका की यहाँ पे बात हुई है, और नीचे भी जनहित याचिका को बताया गया है, मतलब ऊपर भी इसको प्राइमरी या सब्जेक्ट माना गया और नीचे भी, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो जनहित याचिका कमजोर के दरवाजे तक न्याय लाने के लिए है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजिंग लगेगा ये कि क्या बात कर रहा है, क्या सच में न्याय लाता है कि नहीं लाता है, लेकिन जब इसको यहाँ पे जो असर्शन में दिया गया रीजन में भी इसकी चर्चा की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य समतावादी समाज सृजित करना है, ये मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है क्या? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य तो है लोगों का सर्वाधिक विकास करना, चहुमुखी विकास करना, लेकिन ये बोल रहा है समतावादी समाज, इगेलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहा है, तो इसके द्वारा कभी भी इगेलिटेरियन सोसाइटी नहीं बन सकती है। इगेलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए हमारे पास DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है ए, और इसका मतलब है आर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए असत्य परंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित का सही कालक्रम बताएं और दिए गए कोड में से चुनिए, सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे 1939 में, कांग्रेस में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1934 में और ये JP नारायण ने किया था, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन 1924 में किया गया है, और सांप्रदायिक पंचाट आपको पता ही है 1932 में लागू किया गया है। तो इसका 28 का सही आंसर होगा बी, सबसे पहले गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन 1924, उसके बाद समाजवादी पार्टी बनी, उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट, और फिर समाजवादी पार्टी, और सबसे बाद में बने हैं सुभाष चंद्र राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 29, दी गई कोड का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए, ठीक है, ज्ञान आयोग शिक्षा के ऊपर बनाया गया है 2005 में, उसके बाद है सरकारिया कमीशन, सरकारिया जो आयोग है ये बनाया है 1983 में, सेंटर स्टेट रिलेशन पर, थर्ड है राज्य पुनर्गठन आयोग, ये बना है 1953 में, इसमें पाणिकर, कुंजरू और एक कोई अध्यक्ष था, 3 सदस्य ये आयोग बना था, और राज्य के पुनर्गठन को भाषा के आधार पर इन्होंने डिवाइड करने के लिए इनसे सुझाव मांगे गए थे। आपको तीनों के तीनों याद रखने पड़ेंगे, आप तीनों तीसरा भी सर्च कर लेना, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 4, संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग ये बना है 2000 में, तो 29 का सही क्रम होगा बी, सबसे पहले होता है
राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, उसके बाद सरकारी आयोग 1983 में, उसके बाद आपका संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000 में बना है और ज्ञान आयोग 2005 में। ये बहुत सिंपल है, मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार भी। अनुच्छेद 148 है भारतीय नियंत्रक, भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से रिलेटेड है। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है। और आर्टिकल 324 है चुनाव आयोग से, भारत का जो निर्वाचन आयोग है। ओके, तो 30 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता है, नहीं समझा जाता है? नेतृत्व। अगर हमारा नेता स्ट्रोंग है तो राष्ट्र उन्नति करता है, जैसे कि हिटलर के टाइम भी कितनी तरक्की हुई थी, तो राष्ट्रीय शक्ति का ये भी है। राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय संसाधन, बिल्कुल। राष्ट्र के अंदर अगर अच्छे संसाधन है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी है, लौह अयस्क है, तो राष्ट्रीय शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, दल प्रणाली। अब मुझे ये कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र भी होता है। अगर राष्ट्र का चरित्र अच्छा है, वहाँ के चरित्रवान लोग हैं, लोग ऑब्लिगेशन करते हैं, राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं, लोग आर्मी में जाना पसंद करते हैं, देशभक्त होते हैं, तो राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है। लेकिन दलीय प्रणाली कभी भी राष्ट्र की शक्ति के रूप में नहीं मानी जाती। तो इसका सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में सार्क का सदस्य बना? हाल ही में मतलब ये 2008 का क्वेश्चन है। 2007 में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है? यूरोपियन आयोग बिल्कुल है, यूरोपियन संसद भी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है। तो इसका सही आंसर है बी, यूरोपियन प्रादेशिक आयोग इसका हिस्सा नहीं है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3SA का लेखक कौन है? अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, ये है हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर एक बहुत ही जाने माने राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, और इन्होंने ये बुक 1969 में लिखी थी। 1969 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, ये डिप्लोमेट है, बहुत ही खतरनाक डिप्लोमेट बोल सकते हैं अमेरिका के, इन्होंने बहुत सारी पॉलिसी बनाई है। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, अब देखो 2007 में भी ये क्वेश्चन आया है, तो ये भारत के संविधान में आर्टिकल 51 में। कौन बोलता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं? मैं बोलता हूं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ लिए और समझ लिए, आपका आधा काम वहीं से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 36, सोवियत यूनियन के पतन के बाद यूएसए एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, बिल्कुल उभरा था। 1991 के बाद सिर्फ एक ही महाशक्ति बचा था, वो था यूएसए। भूमंडलीकरण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रवृत्ति के रूप में स्थिर है, बिल्कुल है। ग्लोबलाइजेशन आज के इकोनॉमिक जो व्यवस्था है उसका आधार बना हुआ है आज भी। लेकिन इसमें ये कहीं इसकी व्याख्या कर रहा है सोवियत यूनियन की, तो यहाँ नीचे कहीं चर्चा ही नहीं हुई है, ना ही यहाँ पे यूएसए की एकमात्र शक्ति बनने की चर्चा हुई है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विश्व की बदलती हुई स्थिति में गुटनिरपेक्षता अपने पारंपरिक रूप में प्रासंगिक नहीं है, बिल्कुल सही बात। ये भी 2007 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। तो बिल्कुल पारंपरिक रूप में नहीं है प्रासंगिक, भले ही आधुनिक रूप में प्रासंगिक है, लेकिन पारंपरिक रूप में नहीं है। क्योंकि पारंपरिक रूप में ये बना था, इसलिए ना तो हम एक गुट में जाएंगे, ना ही दूसरे गुट में, तो आज तो गुट बचे ही नहीं है। ठीक है, भारत को उभरती आर्थिक शक्ति समझा जा सकता है, बिल्कुल समझा जा सकता है, लेकिन गुट निरपेक्षता की यहाँ पे अगर नीचे कहीं भी बात हुई होती तो ये बिल्कुल इसका सही रीजन होता, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई है। तो इसका मतलब है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, हवाना में
नेम का शिखर सम्मेलन हुआ है 2006 के अंदर। आगरा शिखर सम्मेलन, ये आगरा शिखर सम्मेलन हुआ है आपका 2001 के अंदर। और कारगिल संघर्ष आपको पता ही है 1999 में, और भारत ने जो द्वितीय पोखरण विस्फोट परमाणु परीक्षण किया है वो किया है 1998 में। इसके विरोध में तुरंत पाकिस्तान ने भी विस्फोट किए थे, आपको याद होगा। तो 38 का सही आंसर होगा यहाँ पे 4321 सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता हुआ है 2007 में, जॉर्ज बुश के साथ हुआ है, मनमोहन सिंह का, ठीक है। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला 2001 कौन भूल सकता है, ठीक है। वाजपेयी की बस कूटनीति, वाजपेयी ने बस कूटनीति 1999 में शुरू की थी, और ये बस कूटनीति क्या थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली से लेके लाहौर तक बस सेवा शुरू की थी और मित्रता का एक संदेश देना चाहा था, लेकिन बस कूटनीति के कुछ दिनों बाद ही भारतीय जो हवाई जहाज का है अपहरण कर लिया गया था आतंकवादियों के द्वारा, और उसके बाद ये बस कूटनीति फेल हो गई थी। सार्क की स्थापना आपको पता है 1985 में हुई है। तो 39 का करेक्ट आंसर है ए। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए, सही कालक्रम है सबसे पहले विश्व युद्ध 1914, राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ है 1945 में, बांग्लादेश का जन्म 1971 में, यूएसएसआर का विघटन हुआ है 1991 में। तो सही आंसर है सी। नव सार्वजनिक लोक प्रशासन का उद्गम पहले पहल किससे संबंधित था, नव लोक प्रशासन, न्यू सार्वजनिक, इसको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो 1968 में हुई है, यहां से नव सार्वजनिक लोक प्रशासन का उदय होता है। इनमें से कौन सा जिलाधीश का प्रकार ये नहीं है, जिलाधीश होता है डीसी, डिप्टी कमिश्नर जो बैठते हैं। तकावी ऋणों की वसूली करना, बिल्कुल ऋणों की वसूली करते हैं ये। भूमि अभिलेख का अनुरक्षण, भूमि अभिलेखों का अनुरक्षण भी करते हैं, और राजस्व की वसूली भी करते हैं। न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई नहीं करते हैं। अब न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई करते हैं सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट ना करे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना करे तो हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे जिलाधीश का नहीं है, ये कोर्ट्स का है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को क्रियान्वित किया गया, सबसे पहले किया गया राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 में। क्वेश्चन नंबर 44, लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में ज्यादा विस्तृत है, लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन की तुलना में ज्यादा विस्तृत है, बिल्कुल विस्तृत है। लोक प्रशासन में बहुत सारे तत्व आ जाते हैं, लोक प्रशासन निजी प्रशासन का नियमन करता है। अब यहां पे अगर बीच में आप क्योंकि लगा दोगे ना, क्योंकि लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि लोक प्रशासन निजी प्रशासन का नियमन करता है, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों आप आंसर की में अगर सीबीएसई नेट की आंसर की में देखोगे तो इसका सही आंसर उन्होंने बी दिया है, इसका आंसर बी दिया है, लेकिन जो रिवाइज आंसर की आई है, किसी ने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया था कि नहीं, तो उसके बाद रिवाइज आंसर की में इसका आंसर ए है, ओके। क्योंकि मैंने पहले ही बताया लोक प्रशासन की बात अगर ऊपर हो रही है नीचे भी हो रही है तो ये बिल्कुल ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45, पदोन्नति निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर करना चाहिए, जो आपकी प्रमोशन होती है वो कार्य निष्पादन के आधार पर होनी चाहिए, जो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा उसकी प्रमोशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति सीनियर बुढ़ा होता जा रहा है उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात कर रहा है यहाँ पे असर्शन में कि ये कार्य निष्पादन के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। योग्य लोक सेवकों की क्षमताओं और विशेषताओं को पहचानने की जरूरत है, अगर आप प्रमोशन करना चाहते हो, अगर आप पदोन्नति चाहते हो, ठीक है, पदोन्नति करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उन लोक सेवकों की क्षमताओं और विशेषताओं को पहचानना पड़ेगा। तो ये इसको बिल्कुल सही तरीके से इसकी व्याख्या कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ए। ए और आर दोनों सत्य है, और
आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 46, ये याद करने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको बार बार देखोगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास प्राकलन समिति, इंग्लिश में ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। प्राकलन होता है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी का काम क्या होता है? सुजेशन ऑफ इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर, जो आपके व्यय होते हैं उसमें किफायतें कैसे लाया जा सके, कम से कम व्यय कैसे किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है बी का एक, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी बनती है एग्जामिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंट्स, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी बनती है एग्जामिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंट। उसके बाद है सी, सी का तीन है, कमेटी ऑन सुबोर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसका काम होता है एग्जामिनेशन ऑफ रूल मेड बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स अंडर द एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, मतलब विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए गए नियमों की जांच करता है ये। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब है सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति। इसका काम है रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा करना। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। हिंदी में भी इसको आप एक बार देख लीजिए, इसका सही आंसर है बी। यहां पे आप वीडियो रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित आवश्यकताओं के पदानुक्रम पर गौर कीजिए। मैंने आपके सामने मैस्लो की नीड हायरार्की दी है, अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की पर एक पूरा लेक्चर बनाया है, उससे कई प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नीड हायरार्की में सबसे पहले क्या होती है? आपकी सुरक्षा की आवश्यकताएं, ठीक है, सबसे पहले होती है शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा मकान की आपको सबसे पहले क्या पड़ती है? जरूरत। जैसे आपके पास मकान आ जाएगा, आपके पास प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत आ जाएगी, तो उसकी सुरक्षा भी करनी है, जानमाल की सुरक्षा भी करनी है। उसके बाद होती है आपकी सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं में जैसे आपको प्यार की जरूरत पड़ती है, सोसाइटी में आपको आदर सोसाइटी में आपको माता पिता से जो भी आपको मिलती है सामाजिक आवश्यकताएं। उसके बाद होती है आदर की आवश्यकताएं, ठीक है। आदर की आवश्यकताओं के बाद स्व प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं, ठीक है। तो इसका सही क्रम होगा 47 का बी, 47 का बी। 5 शारीरिक आवश्यकताएं, 1 सुरक्षा की आवश्यकताएं, 3 सामाजिक आवश्यकताएं, 2 आदर की, और सबसे लास्ट में होता है स्व प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण में कौन सा जनसेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है? अब यहां पे भावी नव भर्ती, जब भी नई भर्ती होती है तो भर्ती से पहले क्या है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे बोला जाता है भर्ती पूर्व प्रशिक्षण। मेकाले ने निम्नलिखित परीक्षणों में से किसका समर्थन किया? लिखित परीक्षा का नहीं, शिक्षा और अनुभव का मूल्यांकन नहीं, निष्पादन का प्रदर्शन। इसका सही आंसर है यहाँ पे डी, इनमें से किसी का भी नहीं किया है। नीचे कुछ प्रकार्य दिए गए हैं, प्रकार्य का मतलब है नीचे कुछ काम दिए गए हैं, ठीक है। समय समय पर राष्ट्रीय योजना की चालना की समीक्षा करना, कि जो राष्ट्रीय योजना चल रही है उसकी समीक्षा कौन करता है। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना है, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। योजना आयोग मैक्सिमम क्या करती है, आर्थिक पे करती थी, लेकिन यहाँ पे सामाजिक भी साथ में दिया है। उसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिशें करना, तो ये काम करती है राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।